तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई टैक्स रिलेटेड और ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो अपने चैनल गाइड फॉर टेक में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो इसको बेल आइकन को जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। तो दोस्तों आज मैं कंपेयर करने वाला हूं आपका जो यहां पर लॉन्च कर दिया गया है Xiaomi की तरफ से Xiaomi का Redmi Note 5 Pro को Xiaomi के Mi A1 से, और काफी ज्यादा डिमांड है कि Xiaomi के Mi A1 से कंपेयर करो Xiaomi के Redmi Note 5 Pro को जो कि यहां पर लॉन्च कर दिया गया है 14th Feb को। तो अब यहां पर काफी अच्छा एक टक्कर होने वाली है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर जो कि दोनों ही Xiaomi की तरफ से आते हैं। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन दोनों में से कौन सा बेस्ट और क्या है मेरे ओपिनियन, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं Xiaomi की तरफ से आने वाले Redmi Note 5 Pro की, तो अगर अभी की बात करें अभी जो रिसेंट में क्या चल रहा है तो उसके हिसाब से Redmi Note 5 Pro को बनाया गया है, उसके जो लुक है वो भी उसी के हिसाब से बने हैं। हालांकि Xiaomi का Mi A1 थोड़ा सा पुराना हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ लुक्स के मामले में वो थोड़ा सा Xiaomi के Redmi Note 5 Pro से पीछे। आप कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो पहले बात करते हैं अगर डिस्प्ले की, तो Xiaomi का Redmi Note जो 5 Pro है उसमें आपको मिल जाता है 5.99 का फुल HD यहां पर आपको डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं Xiaomi के Mi A1 की तो वहां पर आपको मिलता है 5.5 इंचेस का। हालांकि अगर बात करते हैं थोड़ा सा यहां पर 5.99 इंचेस का आ जाता है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, तो वहां पर Redmi Note 5 Pro की स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी यहां पर आपको ज्यादा अच्छी दिखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहां पर आपको 18:9 का यहां पर आपको एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है, जो कि पता चल जाता है कि जो इसका बेजल लेस भी थोड़ा सा है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं Xiaomi के Redmi Note 5 Pro की, तो यहाँ पर स्क्रीन के मामले में ज़्यादा बेस्ट निकल के आता है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, हालांकि Xiaomi का Mi A1 थोड़ा सा स्क्रीन के मामले में थोड़ा सा डाउन चला जाता है। और अगर बात करते हैं स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है, दोनों यहाँ पर फुल HD के साथ आते हैं दोनों ही स्मार्टफोन, तो उससे कोई कंपेयर करने जुत नहीं है, दोनों यहाँ पर फुल HD आते हैं। और आगे बात करते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको जो मिलता है Redmi Note 5 Pro में वो थोड़ा सा डाउन इसका यहाँ पर मुझे एक पॉइंट लगा, जो कि Android 7.1 के साथ आता है, मतलब यहाँ पर नौगा आपको मिलता है, तो ये एक पुराना हो जाता है क्योंकि Redmi Note 5 Pro यहाँ पर नया नया आया है, उसमें फिर Android जो पुराना है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और जो आपको Xiaomi का Mi A1 है उसमें आपको मिल जाता है Android Oreo, तो वहां पर आपको अपडेट मिलता है और अपडेट मिल रहा है। अगर इसमें अपडेट आएगा तो यहां पर Oreo में आएगा Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, लेकिन अगर आता है Xiaomi के Mi A1 में अपडेट तो ये काफी ज्यादा यहां पर Android का जो नया वर्जन है उससे यहां पर अपडेट किया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर प्रोसेसर की, तो आपको जो मिल जाता है प्रोसेसर वो यहां पर मिलता है Redmi Note 5 Pro में ऑक्टा कोर का 1.8 GHz का यहां पर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं Xiaomi के Mi A1 की, तो वहां पर आपको मिलता है ऑक्टा कोर का 2.0 GHz का। अब बात करते हैं चिप सेट कौन सा लगा हुआ है यहाँ पर, तो स्नैपड्रैगन का 636 लगा हुआ है Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में, जो कि एक लेटेस्ट है और एक काफी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अभी के लेटेस्ट रिसेंट यहाँ पर चिपसेट में से एक है। तो यहाँ पर Xiaomi का Redmi Note 5 Pro में थोड़ा सा दमदार यहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ है कंपेयर एज अगर बात करते हैं Xiaomi के Mi A1 से, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 625 जो कि पुराना है। अब बात करते हैं GPU कौन सा लगा है, मतलब जो ग्राफिक प्रोसेसर आपका होगा वो कौन सा यहाँ पर आपको लगा हुआ है, तो इसमें जो लगा है Dino का 509 लगा हुआ है Redmi का Note 5 Pro में, और यहाँ पर Xiaomi के Mi A1 में लगा है वो है Dino का 506, तो यहाँ पर भी डाउन यहाँ पर आपको लेवल मिलता है। रैम की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो रैम मिलेगा Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में वो आपको 4 GB का मिल जाएगा और 6 GB का मिल जाएगा, और Xiaomi का जो है वो 4 GB का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंटरनल स्टोरेज की अगर बात करें तो 64 GB यहाँ पर आपको मिल जाता है Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में, और यहाँ पर 64 GB Xiaomi का Mi A1 भी आपको मिल जाएगा, एक्सपेंडेबल आप दोनों में ही कर सकते हैं। प्राइमरी कैमरे की अगर बात करते हैं तो बैक साइड में 12+5 का आपको डुअल कैमरा मिल जाता है Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में, और यहाँ पर आपको मिल जाता है Xiaomi के Mi A1 में डुअल कैमरे मिल जाते हैं 12-12 मेगापिक्सल वाले। तो अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट निकल के आता है कैमरे का। Redmi Note 5 Pro में ऐसा कंपनी कह रही है कि अब तक का जितना भी Xiaomi की तरफ से फोन लाए गए सबसे बेस्ट यहाँ पर कैमरा लगा है Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में, जो कि 12 और 5 यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसका सेंसर भी न्यू है, तो यहाँ पर आपको जो इमेज मिलेगी वो काफी यहाँ पर काफी ब्राइट और काफी नेचुरल मिलने वाली। लेकिन दोस्तों मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने यहाँ पर कुछ बड़े यूट्यूबर्स की जो कंपैरिजन वीडियो है उसको देखा है Xiaomi के Mi A1 को और Redmi Note 5 Pro को, तो दोनों में जो कंपेयर उनमें जो सबसे आगे है वो है Mi A1
जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मतलब देखने चौंकने वाली बात है कि मी A1 यहाँ पर थोड़ी नेचुरल इमेज देता है, लेकिन Xiaomi का Redmi Note 5 Pro जो है वो एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा मतलब ज्यादा कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा इमेज को एडिट करते हैं तो यहाँ पर Xiaomi का Redmi Note 5 Pro की यहाँ पर इमेज काफी अच्छी होगी, लेकिन अगर ऐसे बात करें तो Xiaomi का मी A1 यहाँ कैमरे के मामले में ज्यादा बेस्ट निकल के आता है, जो कि मेरा ओपिनियन है। बाकी आप खुद यहाँ पर ओपिनियन अपना बता सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। अब बात करते हैं सेकेंडरी कैमरे की, तो सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है Redmi Note 5 Pro का 20 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है LED फ्लैश के साथ, जो कि काफी ज्यादा यहां पर आपको मिल जाता है। Vivo Oppo की अगर बात करें तो सेल्फी के लिए यहां पर 20 मेगापिक्सल मिलता है Redmi Note 5 Pro में, वही कंपेयर है Xiaomi के Mi A1 में मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल का, जो कि यहां पर उतनी बेहतरीन पिक्स तो नहीं देने वाला, वो आप खुद ही समझ सकते हो। अगर बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की, तो ये भी एक प्लस पॉइंट निकल के आता है Redmi Note 5 Pro का, तो 4000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है, लेकिन अगर Xiaomi के Mi A1 की बात करें तो 3080 mAh की बैटरी यहाँ पर मिलती है, जो कि उतनी बैटरी यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको वेट जो मिलता है वो है 181 grams का मिलता है Redmi Note 5 Pro, और मिलता है 165 grams का Xiaomi का Mi A1। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, अब डुअल सिम दोनों ही है और हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ पर आपको मिल जाता है। प्राइस की अगर बात करें तो ये आपका कुछ यहाँ पर है 17000 रुपए का Redmi Note 5 Pro, और Xiaomi का Mi A1 जो है वो यहाँ पर 14000 रुपए तक का है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दिया है कि किसका क्या बेस्ट है। डिजाइन अगर अच्छा चाहते हो, नया यहाँ पर लुक चाहते हो, iPhone 10 की तरह कुछ अपने हाथ में चाहते हो, तो यहाँ पर Xiaomi का Redmi Note 5 Pro बेस्ट है लुक के मामले में। और यहाँ पर अगर आप स्टाइल भी चाहते हो, साथ ही साथ अगर एक अच्छा यहाँ पर प्रोसेसिंग वाला प्रोसेसर चाहते हो और प्रोसेसिंग वाला फोन स्मार्टफोन चाहते हो, तो यहाँ पर Redmi का Note 5 Pro भी बेस्ट निकल के आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ Xiaomi का Mi A1 बेकार है, वो भी एक काफी बेस्ट फोन है। यहाँ पर आपको गेमिंग, आप जितने भी हाई गेम खेलना चाहते हो खेल सकते हो, तो दोनों ही में यहाँ पर लेवल सेम है, लेकिन थोड़ा सा अगर इंप्रूवमेंट चाहते हो तो Redmi का Note 5 Pro बेस्ट है। हालांकि अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको मिल जाता है Redmi Note 5 Pro में लेटेस्ट, तो ये भी एक यहाँ पर 18:9 का मिलता है, तो ये भी एक्सपेक्ट इश्यू काफी अच्छा लुक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, और Mi A1 में नहीं मिलता। कैमरे की अगर बात करें तो कैमरा भी यहाँ पर Xiaomi का Mi A1 थोड़ा सा बेस्ट है। कंपनी कह रही है Redmi Note 5 Pro है, लेकिन मेरे कंपेरिजन जो मैंने यहाँ पर देखा इमेज में, वो मुझे ऐसा लगा कि Mi A1 यहाँ पर ज्यादा बेस्ट निकल के आता है। हार्डवेयर के मामले में भी Redmi का Note 5 Pro निकल के आता है, परफॉर्मेंस के मामले में भी Redmi का Note 5 Pro ही होगा, क्योंकि यहाँ पर GPU और यहाँ पर आपका जो चिपसेट प्रोसेसर यहाँ पर है वो है यहाँ पर आपको मिल जाता है 636। तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ लास्ट में, तो यहाँ पर मुझे जो अच्छा लगा है वो यहाँ पर Redmi का Note 5 Pro अच्छा लगा है, और बस मुझे जो एक चीज खराब लगी है वो है यहाँ पर इसका प्राइस। प्राइस कुछ ज्यादा ओवर कर दिया है, 17000 यहाँ पर प्राइस निकल के आता है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा ओवर है। अगर 15 तक होता तो यहाँ पर बेस्ट एक फोन यहाँ पर निकल के आता आप लोग के लिए। बाकी यहाँ पे क्या ओपिनियन है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Xiaomi का Mi A1 बेकार है, अब सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा क्या चाहिए, वो आप अपने हिसाब से आप खुद ही जज कर सकते हो कि आपको कौन सा यहाँ पर बेनिफिट जाएगा स्मार्टफोन में मिलने वाला है। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आती है प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल को, क्योंकि मैं रोजाना टेक की वीडियो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड लेके आता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।